हेलो दोस्तों, रसमलाई सबको बहुत ही पसंद होती है, तो हम बहुत ही आसानी से इसको घर पर बनाकर खा सकते हैं। अब सबसे पहले हमने आधा लीटर दूध ले लिया है, इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। हम इसमें छेना बनाएंगे, तो हमने आधा लीटर दूध लिया है। हमारा दूध गर्म हो गया है, इसमें उबाल आ गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको अलग रख देते हैं। अब हम इस दूध को फाड़ेंगे, हमें इसको छेनना बनाना है, तो मैंने एक नींबू का रस ले लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा डाल देंगे और इसको थोड़ा हिला देंगे। थोड़ी देर बाद में हमारा दूध अच्छे से फट जाएगा। हमारा दूध अच्छे से फट गया है। अब हमने एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है, हमने कपड़े में डाल दिया है दूध को। अब हम इसको अच्छे से पानी से धो लेंगे ताकि नींबू की खटाई इसकी निकल जाएगी। अब कपड़े को हम इकट्ठा कर देते हैं और इसके एक्स्ट्रा पानी को निकाल देंगे और इसको घंटे भर के लिए हम इस लटका देंगे कहीं पे, ताकि इसका पानी पूरा निकल जाएगा। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। जब तक हमारा छेना तैयार हो, हम रबड़ी बना लेते हैं। तो मैंने रबड़ी के लिए आधा लीटर ही दूध लिया है, ये फुल क्रीम वाला दूध है। अब रबड़ी के लिए हम इसको गर्म होने देते हैं। हमारा दूध गर्म हो गया है, इसमें उबाल आ गया। अब गैस को हम लो फ्लेम पे कर देंगे। अब इसमें मैंने 50 ग्राम चीनी डाली। आप अपने टेस्ट के अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें। और मैं इसमें थोड़ा सा केसर डाल रही हूँ। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप कलर भी डाल सकते हैं, और बिना कलर के भी बना सकते हैं। ये टेस्ट में तो अच्छी बनेगी ही, केसर से थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है इसका। अब हम इसको कम आँच में अच्छे से रबड़ी बनने तक देते हैं। हमारी रबड़ी बनने लग गई है। अब बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे और साइड में जो मलाई चिपक जाती है हम उसको भी उतार के इसमें डालते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर में हम इसको चलाते जाएंगे बीच बीच में। हमें आधा दूध कर लेना है, टाइट वाली थोड़ी रबड़ी बनानी है हमें। गैस को हमें लो फ्लेम पर ही रखना है। हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो गई है, हमारा दूध आधा हो गया है, हमने लो फ्लेम पे ही बनाया है। अब गैस बंद कर देंगे और इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। थोड़े से पिस्ता डाल देंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हो आप वही डाल लें, आपके घर में हो वही डाल सकते हैं आप। अब थोड़ी सी हम इसमें इलायची डाल देंगे, इलायची खुशबू अच्छी लगती है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हमने छेने को भी कपड़े में से निकाल लिया है, इसका बिल्कुल पानी सूख गया है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। अगर इसमें पानी रह जाएगा तो हम चाशनी में बनाएंगे तो हमारी रसमलाई बिखर जाएगी, तो हमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। अब हम हाथ से मसल मसल के इसका सॉफ्ट डो बना लेंगे। हम 10 मिनट तक कम से कम मसल मसल के इसका सॉफ्ट डो बनाएंगे। जितना अच्छा मसलेंगे आप उतनी अच्छी रसमलाई बनेगी। हथेली से अच्छे से इसको मैश करते जाएंगे। चाहे तो आप मिक्सी में भी डालकर इसको मैश कर सकते हैं, लेकिन हम हाथ से इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। आप जितना अच्छा मैश करेंगे आप उतनी अच्छी रसमलाई बनाएंगे। हम बिल्कुल हाथों से इसको अच्छे से मैश कर रहे हैं। हमने छेने को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अच्छे से कर लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बनाएंगे। तो हम छोटा सा इसका ले लेंगे हाथ में, हल्के हल्के हाथों से हम गोल गोल बना के और इसको चपटा बना देंगे। अब इसकी हाथ से थोड़ी शेव कर देंगे आप। हम छोटी छोटी बनाएंगे क्योंकि ये चाशनी में फूल जाती है। ऐसे बना बना के हम रख लेंगे, ऐसे दूसरी बना लेंगे हम। छोटी छोटी बनाएंगे हम। ये रसमलाई बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप एक बार ज़रूर ये रसमलाई बनाकर घर पे सबको खिलाएं, सबको बहुत ही टेस्टी लगेगी। ऐसे बना बना के हम इसको रख लेंगे। अब इसको पकाने के लिए हम चाशनी बनाते हैं। तो हम एक कटोरी चीनी लिए, 100 ग्राम चीनी। अब इसके 3 गुना पानी डाल देंगे, तो हम 3 कटोरी पानी डाल देंगे। हमें पतली वाली चाशनी चाहिए।
हम 3 कटोरी डाल देंगे, इसमें 3 गुना पानी डालेंगे। हमारी चीनी मेल्ट हो गई है और अच्छे से उबलने लग गया है, तब हम ये इसमें डाल देंगे। गैस को हमने फुल फ्लेम पे कर रखा है। फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और रसमलाई बनाकर ज़रूर खाएं। अब हम ढक कर इसको 10 मिनट के लिए ऐसे पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, हमारी रसमलाई पककर तैयार हो गई है। हमने इनको 10 मिनट पकाया, फुल फ्लेम पर रखा है गैस को हमने। अब हम गैस बंद कर देंगे और एक रसमलाई को चम्मच में ले लेंगे और इसका एक्स्ट्रा वाला पानी निकाल देंगे, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। फिर हम रबड़ी में डाल देंगे। सारा पानी निकाल कर डालेंगे हम, अब रबड़ी में डाल देंगे इसको। ऐसे दूसरा वाला ले लेंगे हम, इसका भी एक्स्ट्रा वाला पानी निकाल देंगे। हमने सभी का पानी निकाल कर इसको रबड़ी में डाल दिया है। अब हम ठंडा होने के लिए फ्रीजर में इसको 2-3 घंटे के लिए ऐसे रख देंगे। हमारी बहुत ही टेस्टी रसमलाई बनकर तैयार हो गई है। आप इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करें।